वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुमन गुप्ता, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी, आइए देखते हैं उसकी रेसिपी। हमने लिया है एक कढ़ाई, कढ़ाई में हमने डाला है 1 कप दूध और फिर हम लोग इसमें डालेंगे 1/4 कप घी और इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए। मिक्स करने से क्या होगा ना कि बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर हमारा इंस्टेंट जो खोया हम लोग तैयार कर रहे हैं ना वो बहुत अच्छा तैयार होगा। तो हम लोग इसे ना एकदम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देख रहे हैं जैसे आप, मैं जैसे कर रही हूँ ना वैसे ही। यहाँ मैंने रूम टेम्परेचर पर ही दूध लिया था, घर का बना घी लिया था। आप चाहें तो कोई सा भी बाजार का घी ले सकते हैं, बट मैंने घर का लिया। अगर आपको घी की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं डाल दूँगी। फिर मैंने यहाँ डाला है 1 कप मिल्क पाउडर। कोई सी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं, किसी भी तरह का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। और इसे अच्छे तरीके से हम लोग इसे मिक्स कर देंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस ब्रांड का लें किस ब्रांड का ना लें, आपके पास जो है अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं। फिर मैं इसे अच्छे तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पे मिक्स करते जाऊंगे। मिक्स करके मैंने इसे पका लिया, एकदम अच्छे से भून लिया। ये आप देख सकते हैं कितना ही अच्छा टेक्सचर आया है। ये हमारा इंस्टेंट खोया तैयार हो गया है। एकदम अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। फिर मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिया। ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है नारियल, फिर से चॉप्ड आमंड। इन सब चीज़ों को ना चॉप्ड नहीं किया मैंने, यहाँ कद्दूकस कर लिया था। इससे क्या होगा ना कि बहुत ही अच्छा क्रंच आएगा जब हम लोग इसमें मिलाएंगे, रोस्ट कर लेंगे एंड देन हम लोग खोया में मिलाएंगे तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी क्रंची सा टेस्ट आएगा इसका। तो इसलिए मैंने यहाँ इस कद्दूकस कर लिया है। आप चाहे तो चॉप भी कर सकते हैं, टेस्ट के अपने अकॉर्डिंग है। तो आप जैसा चाहें वैसा ये आमंड्स को कट कर सकते हैं, कद्दूकस कर सकते हैं। और इस मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने यहाँ रोस्ट कर लिया है। ये देखिए मैंने एकदम अच्छे तरीके से रोस्ट करके उसे निकाल लिया है। फिर मैंने यहाँ 1 कप मैदा ले लिया है और इसमें हम लोग डालेंगे नमक। अगर आप प्रसाद के लिए बना रहे हैं तो नमक नहीं डालिएगा, अगर प्रसाद के लिए नहीं बना रहे हैं तो नमक डाल सकते हैं। नमक डालना अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, एंड सिचुएशन के ऊपर। अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी नमक और ये मैदा को अच्छे तरीके से। और फिर मैं ना बीच में होल बना लूँगी और इसमें डालूँगी घी। एकदम अच्छे से भर भर के घी डालेंगे। इसको ना मोयन देने से क्या होगा कि बहुत ही क्रंची और बहुत ही अच्छा गुजिया तैयार होगा हमारा। तो मैं यहाँ अच्छे तरीके से इसमें डाल लूँगी घी। घी डालने के बाद मैं यहाँ इलायची ले ली हूँ, उसको क्रश करके मैं डाल दूँगी। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके हम लोग मैं एकदम अच्छे तरीके से सब चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से क्या होगा ना कि मतलब जितना मिक्स करेंगे उतना अच्छा होगा। जब तक घी एकदम अच्छे से मैदा में मिक्स ना हो जाए ना तब तक मिक्स करना है। ये देखिए मैं बताती हूँ, आप इसे ऐसे बाइंड कीजिएगा, फिर ये बाइंड होने लगेगा तो समझ जाइएगा कि हमारा घी मिक्स हो गया है मैदा में। ये देखिए एकदम अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। तैयार हो गया ये। अब मैं ना 1 ग्लास पानी ली हूँ और थोड़ा थोड़ा डाल के ना, रूम टेम्परेचर पे पानी है, गर्म नहीं है, नॉर्मल पानी है, थोड़ा थोड़ा इसे लेके अच्छे तरीके से बाइंड करते जाऊँगी। एकदम ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट, एकदम मीडियम टाइप का ना हमें आटा तैयार करना है, ठीक है, इसका गूँथ के। और ज़्यादा गूँथना भी नहीं है, बस ऐसे कंबाइन कर देना है एक साथ, समझ रहे हैं ना आप, वैसे ही। यहाँ मैं आटा को अच्छे तरीके से कंबाइन कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं पूरे अच्छे तरीके से मैंने कंबाइन कर लेना है। इसे रोटी की तरह नहीं गूँथना है जैसे कि एकदम सॉफ्ट सा, वैसा नहीं गूँथना है, बस क्रम्बली सा टेक्सचर हो अंदर सा, वैसा ही बस आटा तैयार करना है। यहाँ मैंने एकदम आधा ग्लास से भी बहुत कम पानी यूज़ हुआ है और हमारा आटा बन गूँथ कर तैयार हो गया है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। एकदम अच्छे तरीके से ये कंबाइन हो गया है, ये देखिए एकदम अच्छा सा तैयार हो गया। एकदम ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा हार्ड है, एकदम मीडियम टाइप का है, ये आप देख रहे हैं ना, एकदम ऐसे ही एकदम मस्त सा आटा तैयार हो गया। अब हमारा गुजिया भी बहुत ही मस्त बनेगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ खोया तैयार कर लिया था, खोया हमारा थोड़ा ठंडा हो गया। अब मैंने इसे में इलायची डाल दिया था, ड्राई फ्रूट्स जो नट्स वगैरह मैंने हमने रोस्ट किया था उसे डाल के अच्छे तरीके से मिला लेंगे। आप चाहे तो चम्मच से मिला सकते हैं, मैंने यहाँ हाथ धोकर अच्छे से साफ से एंड देन इसे मिला दी हूँ। इससे क्या होगा एकदम अच्छे तरीके से मिल जाएगा। क्या होगा कि हम लोग मार्केट का गुजिया खरीद के खाते हैं जो खोया वाला होता है, इसमें बहुत कम ही खोया देता है। इससे कि हम लोग जो घर पर बनाते हैं इसमें क्या होगा एकदम भर भर के इसमें खोया डालेंगे एंड जब हम लोग एक बाइट लेंगे अपने मुँह में गुजिया का तो इतना अच्छा टेस्ट आएगा, हर स्वाद में ही खोया खोया, एकदम मज़ा आ जाएगा खा के, ज़रूर बनाइएगा इसे। और फिर मैंने यहाँ इसमें चीनी डाल दिया है, चीनी पीसी हुई चीनी 1 कप एंड देन इसे भी डाल के अच्छे तरीके से मिला दूंगी। हाथ से मैंने मिला रही हूँ, अगर आप चाहें तो चम्मच से भी मिला सकते हैं। फिर मैंने यहाँ आटे का एक लोई तैयार कर लिया था छोटा सा एंड देन इसे अच्छे तरीके से बेल लेंगे, ना ज़्यादा मोटा ना पतला, बस हल्का सा मीडियम का इसे अच्छे तरीके से गोल बेल लेंगे। ये देखिए जैसे मैं बेल रही हूँ वैसे ही रोल कर लेंगे। आप जो चाहें वो मतलब डिज़ाइन का बना सकते हैं। यहाँ मैं
गुजिया के ही डिज़ाइन का बनाऊंगी। ये देखिए मैंने एकदम अच्छे तरीके से बेल लेना है इसे, एकदम अच्छा सा रोल कर लिया, ये तैयार हो गया। अब हम लोग एक कटोरी लेंगे, कटोरी किसी भी साइज़ का कटोरी ले लीजिए आप, एंड देन इसे कट कर लेंगे। कटोरी से काटने से क्या होगा ना कि हम लोग जितने गुजिया बनाएंगे सब एक ही साइज़ के बनेंगे और एकदम अच्छे दिखने में भी लगेंगे और खाने में भी तो पूछे ही मत, खाने में तो लाजवाब। अब मैं यहाँ एक चम्मच इसमें स्टफिंग डाल दूंगी जो मैंने तैयार किया हुआ है मावा का। यहाँ मैं ना और सा थोड़ा सा स्टफिंग डाल रही हूँ क्योंकि ना मेरा मन नहीं बढ़ा है अभी, जितना ज़्यादा डालूंगी ना उतना मतलब गुजिया में ना मेरे को वो चाहिए जैसे एकदम टेस्ट एकदम हर बाइट में खोया, तो इसलिए मैं पूरा भर भर के इसमें डाल रही हूँ खोया। एंड देन हम इसे किनारे को ना सील कर देंगे अच्छे तरीके से, एकदम अच्छे से सील कीजिएगा, नहीं तो ना क्या होगा जब ये तेल में फ्राई होने जाएगा तो ये फट जाएगा, तो हमें वैसा नहीं करना, एकदम अच्छे तरीके से सील कर देना है इसके किनारे को। और एकदम अच्छे से सील करने के बाद फिर हम लोग इसे ऐसे कॉर्नर से मोड़ेंगे जैसे मैं मोड़ के इसका डिज़ाइन बना रही हूँ। अगर आप डिज़ाइन बनाने नहीं आता है आपको तो आप क्या कीजिएगा, कांटा का चम्मच लीजिएगा एंड देन वो जहाँ हम लोग इसके कॉर्नर को मोड़े हैं वहाँ पे हल्का हल्का मार्क देते जाइएगा, इससे भी वो बहुत अच्छा डिज़ाइन तैयार होके आ जाएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ डिज़ाइन बना के तैयार कर लिया है गुजिया का, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसे सील कर दिया है। इससे क्या होगा ना फटेगा नहीं, मैं आपको कुछ गुजिया दिखाऊंगी कि कैसे क्यों फट जाता है हमारा गुजिया, क्योंकि हम लोग इसे किनारे को ना अच्छे से सील नहीं करते हैं। ये देखिए तेल हमारा मीडियम गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस मीडियम गर्म होना चाहिए। फिर हम लोग इसमें डालेंगे गुजिया और एकदम मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे तलेंगे अच्छे तरीके से। हाई फ्लेम पे तलेंगे तो क्या होगा कि ऊपर का जो परत होगा ना एकदम अच्छे तरीके से नहीं पकेगा, बस ऊपर का क्या होगा कि अच्छा कलर आ जाएगा और अंदर का कच्चा रह जाएगा, तो हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें बस हल्का हल्का एकदम अच्छे से पकाना है एंड पूरा अच्छे तरीके से गुजिया पक जाए तो खाने में भी टेस्टी लगेगा और देखने में तो लाजवाब। तो ये देखिए एकदम अच्छे तरीके से मैं यहाँ मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पका लूँगी, मैंने यहाँ इसे पका लिया। ये देखिए मैं आपको बता रही थी ना कि गुजिया क्यों फट जाता है, तो ये देखिए यहाँ पे एक मेरा गुजिया फट गया है क्योंकि मैंने इसके साइड्स अच्छे से सील नहीं करा था, ये आपको बताने के लिए मैंने इसे सील नहीं किया था, तो इस तरह से फट जाता है और सारा ऑयल अंदर चला जाता है तो उससे गुजिया अच्छा तैयार नहीं होता है। यहाँ मैंने चीनी ले लिया है और पानी ले लिया है और इसे अच्छे तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे बॉयल होने देंगे, हमारा चाशनी तैयार होगा इससे। फिर मैंने यहाँ दो इलायची ले लिया है, उसे अच्छे से क्रश करके डाल देना है इसमें, अगर आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ इलायची को ले ली हूँ और उसको क्रश करके डालती हूँ क्योंकि मुझे इलायची को क्रश करके डालने का जो मज़ा है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं वैसे ही डालती हूँ। आप मेरी अधिकतर वीडियो में देख सकते हैं मैं इलायची पाउडर नहीं डालती हूँ, इलायची ही डाल देती हूँ, अगर आपका मन है तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं। तो कुछ देर उबलने के बाद जब एक तार की तार वाली चाशनी तैयार कर लेंगे एंड देन हम लोग इसे उतार लेंगे, चीनी और जो वाटर का जो मिक्सचर था ना वो चाशनी में कन्वर्ट हो गया, अब हम लोग उसे निकाल लेंगे एंड उसे हल्का गर्म होगा तो हम लोग सारी गुजिया को उसमें डाल देंगे, डाल के डिप करेंगे, डिप करके हम लोग निकाल लेंगे, बस 2 से 3 मिनट ही डिप करेंगे एंड निकाल लेंगे। इस तरह से हमारा सारा गुजिया तैयार हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में भी और देखने में भी। तो ये देखिए मैंने 1 से 2 मिनट इसे अच्छे से डिप कर देना है एंड देन मैं इसे निकाल लूँगी। यहाँ मैंने निकाल लिया सारे गुजिए को, ये देखिए एकदम अच्छा ही दिख रहा है और मैं ऊपर से नट्स थोड़ा सा डाल दूंगी जो मैंने रोस्ट किया हुआ था और उसे मैं तोड़ के आपको दिखाऊंगी, देखिएगा हर एक बाइट में आपको खोया ही मिलेगा क्योंकि ये मार्केट वाला नहीं है घर वाला है, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है। ये देखिए गुजिया कितना अच्छा दिख रहा है ना, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से मैंने इसे कंबाइन करके एकदम आटा लगाया था, बहुत ही क्रंची भी है। ये देखिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, हर बाइट में आपको खोया मिलेगा, बिलीव कीजिए। ये देखिए पूरा खोया भरा भरा है एकदम अच्छे तरीके से और बहुत ही अच्छा बहुत ही लाजवाब बना है ये गुजिया, तो आप भी बनाइए इसे। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड हाँ कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। थैंक यू।